मॉर्निंग या गुड मॉर्निंग। ये 2 मिनट रुक जाए, एक दो लोग आ रहे हैं, चालू करते हैं। कहाँ चली? किस खुशी में? ओके देखो, आज का अपना टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। मतलब जो मैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते हैं, हर मटेरियल के पास कोई ना कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे तुम लोगों ने अब तक देखा होगा कि अपने पास मैग्नेट होती है, तो मैग्नेट जनरली किसकी बनी होती है? आयरन और निकल के एलॉय की बनी होती है। लेकिन दुनिया में कोई भी मटेरियल उठा लो तो उसके पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जरूर होती है। तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, किस पे डिपेंड करती है, कैसे निकालते हैं, तो वो सब हम आज की क्लास में कवर करेंगे। लिखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। सबसे पहले एक चीज तुम याद रखना, देखो कुछ चीजें हैं जो तुम्हें याद रखनी है। सबसे पहला टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन इसको डिनोट करते हैं हम एम से, और इसका मतलब होता है मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है कि नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एम नेट अपॉन वॉल्यूम। देख लो अपनी, तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये किसका मतलब है? ये है आपका मैग्नेटाइजेशन। लिख लो अपनी कॉपी में इसको, लिख लो। और अगर तुम्हें मैग्नेटाइजेशन की ऐसा यूनिट पता करनी है, तो देखो एम मतलब अपना मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? निया नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करेंट इंटू एरिया, और वॉल्यूम होता है वी। देखो नंबर ऑफ टर्न्स की तो कोई यूनिट नहीं होगी, वो तो यूनिटलेस होता है। करंट की होती है एम्पियर, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। तो मीटर स्क्वायर से आपका मीटर स्क्वायर गया, तो क्या बचा? एम्पियर अपॉन मीटर। तो लिख लो अपनी कॉपी, इसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर अपॉन मीटर, और ये कौन सी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। लिख लो अपनी कॉपी, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। तो मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है अपॉन वॉल्यूम कितनी है। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में इसको, और इसकी एसआई यूनिट तुम्हें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? तुम्हें एसआई यूनिट याद रखनी है इसकी। ठीक है, अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। लाइक मैग्नेटिक मैग्नेटाइजेशन की डेफिनेशन समझ में आ जाती है कि नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर उसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो मैग्नेटाइजेशन ये बताता है कि मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ, मटेरियल जो है वो कितना मैग्नेटाइज हुआ, आपका जो मटेरियल है वो कितना मैग्नेटाइज हुआ। तो अब मैग्नेटाइज होने का क्या मतलब है? देखो सपोज करो कि ये आपके पास आयरन का कोई मटेरियल है, और इसमें मान लो इस मटेरियल में आपका जो इंडिविजुअल एटम्स है, मान लो ऐसे पड़े हुए, तो अभी ये मैग्नेट नहीं है, मतलब इसका मैग्नेटाइजेशन कितना है? जीरो। लेकिन जैसे ही मान लो मैं इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं, मान लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी, तो होता क्या है कि ये जितने भी इंडिविजुअल डायपोल है वो सब आपके एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करने लग जाते हैं।
तो ये वाला मटेरियल क्या हो गया, इसको बोलते हैं कि आपका मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ। तो अभी आपका मैग्नेटाइजेशन जीरो है, अभी आपका मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम है ना। तो तुम्हें समझ में आया मैग्नेटाइजेशन का कंसेप्चुअल मतलब क्या है? मैग्नेटाइजेशन का कंसेप्चुअल मीनिंग ये है कि आपका मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ, मतलब अंदर के जो इंडिविजुअल एटम्स है वो कितने अलाइन हो रखे। तो तुम मुझे बताना, अगर मैं तुम्हें मान लो तुम्हारे एग्जाम में तीन ड्राइंग्स आती है, तुम्हारे पास मान लो कि तुम्हारे पास तीन ड्राइंग्स आती है इस तरीके से, मान लो कि एक ड्राइंग ऐसे है, मान लो कि एक ड्राइंग ऐसे है, और मान लो कि एक ड्राइंग ऐसे है, और मान लो कि पहले वाले का मैग्नेटाइजेशन एम है, दूसरे वाले का मैग्नेटाइजेशन एम बी, और तीसरे वाले का मैग्नेटाइजेशन एम सी। तो आपको बताना है कि इन तीनों में से सबसे मतलब क्या सिक्वेंस है, तो आपको ये बताना है। जैसे मान लो आपको चार ऑप्शन देता हूँ मैं, ए बी सी डी, तो एम ए ग्रेटर देन एम बी ग्रेटर देन एम सी, एम बी ग्रेटर देन एम ए ग्रेटर देन एम सी, या फिर एम सी ग्रेटर देन एम बी ग्रेटर देन एम ए, या फिर नन ऑफ दिस। तो आप मुझे बताओ इसका क्या सी वाला सर, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सर। अरे यार तुम सब ऐसे एक साथ बोलोगे तो खिचड़ी बन जाएगी, तो चैट बॉक्स में टाइप कर दिया करो। हाँ इसका आंसर सी है, इसका आंसर क्या सी। तो समझ में आया देख के, मतलब मेरा मतलब देखो मेरा एम यह है कि तुम्हें यह समझाना कि मैग्नेटाइजेशन होता क्या है। तो तुम्हें समझ में आया कि कोई डाउट है इसमें? आ गया सर। आ गया ओके। अरे मुस्कान अगर आप सिद्धि को एक मैसेज ड्रॉप कर दोगे क्या, उसको रोज याद लाना पड़ता है। ओके सर मैं करती हूँ। खाली ड्रॉप कर देना, फोन मत कर। अच्छा तुम्हें समझ में आया मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है, कि इसमें कोई डाउट है? ओके अगर मैग्नेटाइजेशन समझ में आ गया तो नेक्स्ट लिखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है याद से, इसको डिनोट करते हैं हम एच से। किससे डिनोट करते हैं? एच से। तो सपोज करो कि तुम्हारे पास कोई सोलेनोइड है और मान लो कि उसकी लेंथ है एल, और मान लो एन आपको दे रखे हैं नंबर ऑफ टर्न्स। तो छोटे एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। छोटा एन क्या होता है? कितने टर्न्स है अपॉन कितनी लेंथ है। तो एच का फॉर्मूला होता है, सो एच इज बेसिकली इक्वल टू एन आई। क्या होता है एच का फॉर्मूला? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट। लिख लो अपने काम पर। आप सब मुझे बताओ एच की ऐसा यूनिट क्या होगी, सोचो एक बार सब लगाओ दिमाग। मैंने देखा है कि ये जो टॉपिक है ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। और बाकी बताओ क्या होगी, और सोचो। सर एम्पियर पर मीटर ही होगी। हाँ करेक्ट है, एम्पियर पर मीटर ही होगी। करेक्ट है, करेक्ट है, गलत नहीं, क्योंकि वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ना, तो करेक्ट है। ओके अच्छा इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एम्पियर अपॉन मीटर होगी इसकी। इसका रीजन ये है कि एन आपका है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और करंट, तो एन की तो नहीं है, करंट के एम्पियर, लेंथ के मीटर। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से सुनना। देखो यार अपने मतलब जनरली मैंने अपने इंडिया में जितने कम्पिटिटिव एग्जाम देखे